डियर स्टूडेंट आर से एच हब वांशु की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अपन बात कर रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड के अंदर ऑक्सी मर्क्यूरीकरण वी मर्क्यूरीशन, पिछले जो नेक्स्ट डे पहले पढ़ा था आपने ऑक्सी मर्क्यूरीकरण वी मर्क्यूरीकरण, उसके थ्रू अपन एल्कोहल का जो निर्माण किस प्रकार करते हैं उसके रिएक्शन की बात करते हो। देखिए यहाँ पे ऑक्सी मर्क्यूरीकरण में यहाँ पे क्या होता है, एल्कीन लेते हैं यहाँ से CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इस एल्कीन की रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, मर्क्यूरिक एसिटेट के साथ, HGOC डबल बॉन्ड OCH3, इसका नाम है मर्क्यूरिक एसिटेट, ये है आपका एल्कीन प्रोवलिन। एल्कीन की अभिक्रिया किसके साथ करवाते हैं, मर्क्यूरिक एसिटेट के जलीय विलयन के साथ, किसकी प्रेजेंस में होते हैं यहां पे THF, कंडीशन है यहां पे एक्वस जलीय विलयन। THF जो होता है उसका पूरा नाम होता है टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, यहां पर रिएजेंट कौन होता है स्टूडेंट्स, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, उसकी कंडीशन यहां पे एक्वस कंडीशन के रूप में लेते हैं। तो यहां से कैसे डिस्कनेक्ट हो जाएगा वाटर मॉलिक्यूल एज ए प्लस OH नेगेटिव, यहां से कौन सा बॉन्ड डिस्कनेक्ट होता है HGO, यहां से बॉन्ड डिस्कनेक्ट हुआ तो मेटल पे क्या आएगा पार्शियली पॉजिटिव आएगा और इसके ऊपर क्या आएगा पार्शियली नेगेटिव। एल्कीन है, इस एल्कीन का जो डबल बॉन्ड है उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैसे टूट जाएगा मार्कोनी कोट नियम के अनुसार, यहां पे क्या आएगा माइनस यहां पे क्या आएगा प्लस। तो देखें यहां से क्या होगा CH3 डबल बॉन्ड O माइनस, इसके ऊपर क्या जुड़ जाएगा H+, तो ये क्या बाहर निकल जाएगा एसिटिक एसिड के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो देखें यहां से साइड प्रोडक्ट के रूप में कौन बाहर निकल गया, यहां से CH3 डबल बॉन्ड OH। अब इस पॉजिटिव के ऊपर कौन ऐड हो जाएगा, यहां से OH नेगेटिव, देखें नेक्स्ट क्या बन जाएगा CH3 CH, इसके ऊपर ऐड कर दिया मैंने OH नेगेटिव, डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया ये सिंगल में CH2, इस नेगेटिव के ऊपर कौन जुड़ जाएगा ये मेटल वाला पॉजिटिव 5 HGOC डबल बॉन्ड OCH3, ये जो बना है इस कंपाउंड का नाम होता है ऑक्सी मर्क्यूरीकरण युगल, क्या बन जाएगा ये ऑक्सी मर्क्यूरीकरण युगल। अब इस ऑक्सी मर्क्यूरीकरण जो युगल बना है इसका अपन क्या करवाएंगे रिडक्शन करवाएंगे, यहां पे किसकी प्रेजेंस में रिडक्शन करवा दें, यहां पे NaBH को, इसका नाम होता है सोडियम बोरोहाइड्राइड, रिडक्शन किसकी प्रेजेंस में करवाएंगे यहां पे सोडियम बोरोहाइड्राइड की प्रेजेंस में रिडक्शन करवाएंगे, यानी रिडक्शन हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल यहां पे ऐड हो जाएगा, किस प्रकार होगा यहां से देखना, मेटल वाला बॉन्ड डिस्कनेक्ट हो जाएगा यहां से, इसके ऊपर क्या आएगा पार्शियली नेगेटिव, इसके ऊपर क्या आएगा पॉजिटिव, यहां से ये बॉन्ड डिस्कनेक्ट होगा, इसके ऊपर क्या है नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा न्यूट्रल, इसके ऊपर क्या आ जाएगा पॉजिटिव, देखो 1H तो यहां पे ऐड हो जाएगा और 1H यहां पे, तो यहां पे H ऐड हो जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा CH3CHOH CH3, और ये आउटपुट हो जाएगा यहां पे HG, और ये नेगेटिव पे H जुड़ जाएगा तो ये कंपाउंड बन जाएगा आपका CH3C डबल बॉन्ड OH, क्योंकि इस स्टेप के अंदर मरकरी का जो अणु है HG है वो बाहर निकल जाता है और मरकरी के अणु का बाहर निकलना यहां पे क्या कहलाता है डीमर्क्यूरेशन कहलाता है, क्या कहलाएगा यहां पे डीमर्क्यूरेशन का मतलब होता है वी मर्क्यूरीकरण, और यहां पे मरकरी का जो मॉलिक्यूल है वहां पे एल्कीन पर ऐड हुआ है इस कारण इसको क्या बोलते हैं मर्क्यूरेशन, ये क्या बन जाएगा यहां से एल्कोहल फॉर्मेशन हो जाएगा, इसका IUPAC नेम हो जाएगा इसका प्रोपेन 2-ol बन जाएगा। तो ये कहलाता है आपका ऑक्सी मर्क्यूरीकरण वी मर्क्यूरीकरण, तो क्लियर है स्टूडेंट्स। तो यहां से क्या याद रखना है अपन को कि जो आपका एल्कीन है उस एल्कीन की अभिक्रिया मर्क्यूरिक एसिटेट के जलीय विलयन के साथ THF की उपस्थिति में करवाई जाती है तो ऑक्सी मर्क्यूरीकरण युगल बनता है,
जिसका सोडियम बोरोहाइड्राइड की उपस्थिति में क्या करवा दिया जाए, रिडक्शन करवा दिया जाए, तो एल्कोहल का निर्माण हो जाता है। क्योंकि इस पॉइंट स्टेप के अंदर क्या होता है, मर्करी का अणु बाहर निकल जाता है, इस कारण इसे वी मर्क्यूरेशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे गिरनार अभिकर्मकों से। नेक्स्ट मेथड पढ़ रहे हैं गिरनार अभिकर्मकों से। गिरनार अभिकर्मकों से किस प्रकार एल्कोहलों का निर्माण होता है, तो देखिए यहां से क्या होता है, अपन गिरनार अभिकर्मक जो लेंगे वहां से एल्कोहल का निर्माण कराने के लिए क्या करेंगे, आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड है, उस कार्बोनिल कंपाउंड के रूप में एल्डिहाइड है, कीटोन है, एस्टर है, उसकी अभिक्रिया यहां से गिरनार अभिकर्मक के साथ करवाते हैं, तो वहां से क्या बन जाएगा, शुष्क ईथर की उपस्थिति में तो एडक्ट बनेगा योग उत्पाद। उस एडक्ट का तनु अम्लों जैसे H2SO4 है, H3PO4 है, इनकी उपस्थिति में जल अपघटन करवाएंगे तो वहां से किसका निर्माण हो जाएगा, एल्कोहलों का निर्माण हो जाएगा। देखो कैसे होगा, गिरनार अभिकर्मकों से कार्बोनिल कंपाउंड, मैंने यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड के रूप में आपका एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है, इस कार्बोनिल कंपाउंड इसका नाम क्या है, कार्बोनिल यौगिक, अब इसके रूप में आपका एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है, इसकी रिएक्शन मैंने किसके साथ करवाई, RMGX, इसका नाम होता है गिरनार अभिकर्मक। गिरनार अभिकर्मक जब भी आप रिएक्शन करवाएं इसको कैसे डिस्कनेक्ट करना है, मेटल पे हमेशा क्या लाना है, पॉजिटिव, इस मेटल पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, इस एल्किल ग्रुप पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव, पार्शियली नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव, और कार्बोनिल जो कंपाउंड है उसको हमेशा कैसे डिस्कनेक्ट करवाना है, जो कार्बन ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता में अंतर है तो पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है उनका विस्थापन किधर हो जाएगा, ऑक्सीजन परमाणु की तरफ, तो ऑक्सीजन परमाणु पर क्या आ जाएगा यहाँ पे, पार्शियली नेगेटिव, इसके ऊपर क्या आएगा, पार्शियली पॉजिटिव, किसकी प्रेजेंस में करवाएंगे यहाँ पे, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो यहां से क्या बन जाएगा, एडक्ट बन जाएगा योग उत्पाद। देखे ओ नेगेटिव पे कौन जुड़ जाएगा, ये MgX पॉजिटिव, और इस पॉजिटिव पे कौन जुड़ जाएगा, R नेगेटिव, तो देखें ये बन जाएगा आपका COO पर मैंने क्या ऐड कर दिया यहाँ पे MgX, और इस पे क्या ऐड हो जाएगा, R, R के, R का मतलब यहाँ पे एल्किल ग्रुप से होता है, एल्किल ग्रुप के रूप में यहाँ पे मैथिल भी हो सकता है, एथिल भी, प्रोपिल, कुछ भी हो सकता है, तो यहां से ये जो बना है इसको बोलते हैं योगोत्पाद, क्या बनेगा ये योगोत्पाद, एडक्ट बन जाएगा, इस एडक्ट का अपन क्या करवाएंगे, तनु H2SO4 की उपस्थिति में, तनु एसिड के रूप में H2SO4 भी हो सकता है, HCl भी हो सकता है, इसकी उपस्थिति में यहां से क्या करवा दें, जल अपघटन करवा दें, जल अपघटन का मतलब कैसे टूट जाएगा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, कौन सा बॉन्ड डिस्कनेक्ट करना है आपको, मेटल वाला, मेटल पे क्या लाना है, पॉजिटिव, इसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव, तो देखो ओ नेगेटिव पे कौन ऐड हो जाएगा, H पॉजिटिव, और Mg पॉजिटिव पे कौन जुड़ जाएगा, OH नेगेटिव, ये बन जाएगा आपका कंपाउंड COHR, MgX और ये OH, यानी कि एल्कोहल फॉर्मेशन हो जाएगा, एल्कोहल, और इसको बोलते हैं बेसिक मैग्नीशियम हैलाइड, क्षारीय मैग्नीशियम हैलाइड, ध्यान क्या रखना है, गिरनार अभिकर्मकों से अपन को एल्कोहलों का निर्माण करना है, तो यहां पे क्या बताया कि कार्बोनिल यौगिक एल्डिहाइड एवं कीटोन की जो अभिक्रिया है वो गिरनार अभिकर्मक के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाई जाती है, इसका निर्माण हो जाएगा योगोत्पाद बन जाएगा, और उस योगोत्पाद का तनु H2SO4 या HCl की उपस्थिति में हाइड्रोलाइसिस करवाएं तो किसका निर्माण हो जाएगा, एल्कोहलों का निर्माण हो जाएगा। अब एल्कोहल जो निर्माण की जो प्रक्रिया चल रही है उसमें अपन किसकी बात करेंगे, गिरनार अभिकर्मकों से अपन 1 डिग्री एल्कोहल है, 2 डिग्री एल्कोहल है, 3 डिग्री एल्कोहल है, उनका जो निर्माण है वो किस प्रकार से होता है, तो यहां पे अपन मैं बात कर लेता हूं गिरनार, इसी के अंदर पहला पॉइंट है प्राथमिक एल्कोहलों का निर्माण, प्राथमिक एल्कोहलों का निर्माण, इसमें होता क्या है कि देखो यहां पे
प्राथमिक एल्कोहल का निर्माण करने के लिए फॉर्मेल्डिहाइड लेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ प्राथमिक एल्कोहल बन जाता है। जैसे मैंने एसिटाल्डिहाइड लिया तो क्या बन जाएगा यहां से सेकेंडरी एल्कोहल बन जाएगा। एसीटोन लिया है तो किसका निर्माण हो जाएगा यहां से 3 डिग्री एल्कोहल का निर्माण हो जाएगा। तो मेरे को बनाना है यहां पे क्या है प्राथमिक एल्कोहल का निर्माण। तो देखो यहां से मेथड यही रहेगा किस प्रकार से करना है यहां पे एच सी डबल बोन ओ एच इसका नाम होता है फॉर्मेल्डिहाइड। इस फॉर्मेल्डिहाइड की जो अभिक्रिया है वो किसके साथ करवा दूं मैं गिरनार रिएजेंट के साथ RMGX किसकी प्रेजेंस में शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो यहां से किस प्रकार डिस्कनेक्ट करना है गिरनार रिएजेंट को मेटल पे क्या लाना है पॉजिटिव एल्किल ग्रुप पे क्या आएगा नेगेटिव कौन सा बॉन्ड डिस्कनेक्ट करना है कार्बन में ये नेगेटिव यहां पे क्या आएगा पार्शियली पॉजिटिव। तो देखो यहां पे R यहां पे जुड़ जाएगा पॉजिटिव पे और नेगेटिव पे कौन जुड़ जाएगा MJ क्या बन जाएगा एडेन H यहां पे CO यहां पे मैंने जोड़ दिया MGX यहां पे H और इस C पर मैंने क्या जोड़ दिया ये R। तो ये नेगेटिव था इस नेगेटिव पे मैंने यहां पे क्या जोड़ दिया MGX पॉजिटिव। तो बनने वाला जो ये कंपाउंड बना है ये क्या है एडक्ट बन जाएगा योग उत्पाद। इसका आप क्या करवाना है आप एसिड की प्रेजेंस में मैंने यहां पे तनु एसिड लिया तनु एसिड के रूप में आपके पास कौन हो सकता है H2SO4 भी हो सकता है HCl भी हो सकता है। क्या करवा दें यहां से हाइड्रोलाइसिस कैसे टूट जाएगा H पॉजिटिव यहां पे OH नेगेटिव कौन सा एडक्ट का कौन सा बॉन्ड डिस्कनेक्ट करना है मेटल वाला मेटल पे क्या लाना है पार्शियली पॉजिटिव यहां पे क्या आएगा पार्शियली नेगेटिव MgX पॉजिटिव है इस पे कौन जुड़ जाएगा OH नेगेटिव। तो देखना ये कम MgX OH आप देखो यहां पे O नेगेटिव पे कौन जुड़ जाएगा H पॉजिटिव। तो देखो R यहां पे सिंगल बॉन्डेड C इस C पर क्या जुड़े हैं दो H तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं CH2 और नेगेटिव पर मैंने यहां पे क्या जोड़ दिया OH। तो OH समूह से जुड़ा हुआ ये जो कार्बन है वो कितने समूह से जुड़ रहा है एक ही एल्किल ग्रुप से जुड़ रहा है तो कैसा एल्कोहल कहलाता है 1 डिग्री एल्कोहल। तो ये है आपका गिरनार अभिकर्मक से प्राथमिक एल्कोहलों का निर्माण यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया गिरनार अभिकर्मक के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है तो योगोत्पाद बनता है जिसका तनु अम्लों की उपस्थिति में जल अपघटन कराया जाता है तो प्राथमिक एल्कोहलों का निर्माण हो जाता है। डियर स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही काफी है।